इंदौर के पास राव पुलिस थाना क्षेत्र के नखराली धाणी चौराहे पर पुलिस जवान चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति पर संदेह होने के बाद पुलिस जवान पूछताछ के लिए उसके पास पहुंचे और पूछताछ शुरू की तो उस अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस जवानों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनको इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। साथ ही पुलिस अज्ञात हमलावर की तलाश में सभी जगहों पर सर्चिंग अभियान चला रही है। घटना इंदौर के पास राव पुलिस थाना क्षेत्र की है, जब राव थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी आमीन खान और अजय चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक युवक पर पुलिसकर्मियों को शंका होने पर उससे पूछताछ करने लगे, लेकिन पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते उससे पहले ही युवक ने चाकू मारकर दोनों पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। घटना की जानकारी पास में लगी गुमटी व्यवसायी ने देखकर स्थानीय पुलिस को बताई। जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में चार थाना क्षेत्र की पुलिस सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना कर हमलावर की तलाश की गई, लेकिन तब तक अज्ञात हमलावर फरार हो चुका था। आज की आवाज न्यूज इंदौर से संवाददाता नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। ये राव पीथमपुर रोड पे थाना राव की चेकिंग आज शाम को चल रही थी। उस दौरान एक चाय की गुमटी से सुनील नाम का व्यक्ति आया और उसके द्वारा पुलिस वालों को बताया गया, वहाँ चेकिंग करने वाले जो व्यक्ति थे, कि एक व्यक्ति है कुछ संदेहास्पद लग रहा है और उसके पास कुछ हथियार वगैरह कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। इस पर से जो चेकिंग पे लगे हुए जवान और हेड कॉन्स्टेबल थे उसको देखने के लिए गए। जैसे ही उसको पकड़ने का प्रयास किया तो उसके द्वारा किसी नुकीली चीज़ से वार किया गया और वार करके वो भाग गया वहाँ से। तो इसमें हमारे राव थाने के हेड कांस्टेबल अनीस और अजय, इन दो लोगों को चोट आई है उसमें से, और दोनों भी इलाजरत हैं, उनकी स्थिति ठीक है और अभी उस संबंधित आरोपी की तलाश की जा रही है। सर, कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ बरामद किए हैं? पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज अभी देखे जा रहे हैं और आसपास लगातार अभी काफ़ी अधिक बल के साथ सर्चिंग भी की जा रही है और आरोपी को ढूंढने का प्रयास किया।